हेलो। तो कल हम लोगों ने थर्ड यूनिट खत्म किया था, आज हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स। तो क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स में फर्स्ट पार्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है ये पहले समझ लेना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस टू जनरेट न्यू आइडियाज। जब भी हम कहीं पे मतलब कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, या फिर आप कंपनी में जाओगे, आपके पास नया क्लाइंट आएगा, उसका कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आएगा, देन यू विल गो फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्स्ट कि क्या आइडियाज जनरेट कर सकते हैं उसके लिए। मतलब अगर सपोज वो आपके पास मार्केटिंग के लिए आया है, एडवर्टाइजिंग के लिए आया है, या फिर न्यू प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए आया है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट। इवन अगर आप कोई मूवी का स्टोरी भी लिख रहे हो, तब भी आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो, जिससे कि आपके पास नए आइडियाज हो, यूनिक आइडियाज हो, जो प्रीवियसली ज्यादा यूज नहीं हुए हैं, ऐसे आइडियाज हो, या फिर जो मार्केट को अच्छा, मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग आइडियाज आपके पास आए। इसलिए हम पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस कैसे कैसे फॉर्म होता है, या फिर कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, या फिर कैसे उसको फॉलो करना है, ये हम आगे देखेंगे। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के डेफिनेशंस जो है वो देख लीजिए। प्रोसेस फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज, देन कॉन्फ्रेंस टेक्निक बाय विच अ ग्रुप अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय अमेजिंग और ऑल द आइडियाज स्पॉन्टेनियसली बाय इट्स मेंबर्स। तो हर एक मेंबर मतलब ग्रुप में फॉर्म होने वाला एक्टिविटी है ये। इंडिविजुअल एक्टिविटी बहुत रेयर टाइम्स होता है, मैक्सिमम टाइम्स इट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो इसमें हम ग्रुप में से हर एक मेंबर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टू ब्रेनस्टॉर्म इज टू यूज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स एंड टेक्निक्स विच एनकरेज एंड स्पार्क ऑफ न्यू आइडियाज विच वुड नेवर हैव हैपेंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आपको न्यू नेवर बिफोर आइडियाज जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। उसके जो टेक्निक्स है वो स्पेशली उसी तरीके के थॉट प्रोसेस को इवोक करने के लिए बनाए हुए हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग को स्ट्रक्चर की जरूरत है। विदाउट स्ट्रक्चर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉलो करते हो तो इट इज लाइक आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो आपको नहीं मिल पाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। सो व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए पहले मेथड क्या यूज करनी है वो देख लेते हैं हम। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी जो है वो मल्टीपल लोगों के साथ ही हो सकती है, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप 4 से लेकर 7 तक के लोग, मतलब 4 मेंबर टू 7 मेंबर्स जो है वो आइडियल नंबर ऑफ मेंबर्स है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप में होने चाहिए। नाउ इनमें से एक जो है वो रिकॉर्डर होना चाहिए, जो आपके सारे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके रखे, और एक होना चाहिए मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करेगा? तो सीक्वेंस करेगा। सपोज आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है और आपको क्या करना है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को 1 by 1 मेंबर को चांस देना है कि उनके पास जो आइडिया है वो बता सके ग्रुप में। तो इसके लिए जो आइडिया बताए जा रहे हैं हर किसी मेंबर के से वो शेयरिंग हो रहा है, तो उन सब आइडियाज को नोट डाउन करने वाले करने के लिए रिकॉर्डर चाहिए। तो उसके उसे हम बोलते हैं कि रिकॉर्डर, जो आइडियाज नोट डाउन करके लेता है विदाउट स्किपिंग एनी आइडिया। तो यहाँ पे क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी में कि आप सिर्फ लॉजिकल आइडियाज के बारे में डिस्कशन नहीं करते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि आपके बहुत सारे आइडियाज या फिर कुछ आइडियाज ऐसे हो जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कहीं भी कोई मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी एक जस्ट एंड रैंडम आइडिया आपके दिमाग में आया और आपने वो शेयर किया, लेकिन वो आइडिया को कोई भी हम ये लॉजिकल स्टेटमेंट की तरह नहीं सोचते हुए उसको भी हम रिकॉर्डर में ऐड करके रखते हैं। रिकॉर्डर जो है वो उसको भी लिख के रखता है, कोई भी आइडिया स्किप नहीं होता इसमें से। तो हर एक आइडिया को नोट डाउन करने के लिए रिकॉर्डर चाहिए। मॉडरेटर किस काम के लिए चाहिए? तो सेकेंड है ऑर्गेनाइज क्यूअर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मॉडरेटर की जरूरत है, जो हर एक पर्सन को, मतलब जैसे मेरी बात करके हो गई तो मेरे बाद में जो भी मेंबर होगा तो उसको वो गाइड करेगा कि आप अभी आपको बात करना है, अभी उसके बाद के बाद
पर्सन को बात करना है, तो इस तरीके से वो सीक्वेंस मेंटेन करेगा ताकि सब लोग एक साथ बात करते हुए क्यूओस ना क्रिएट हो. तो इस तरीके से दो मेन रोल है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप में. ग्रुप में मेंबर्स होने चाहिए 4 to 7, ये आइडियल नंबर ऑफ ग्रुप है, ग्रुप मेंबर्स है. तो इनमें एक मॉडरेटर, एक रिकॉर्डर. मॉडरेटर के पास रिकॉर्डर के पास नोट डाउन करने के लिए जैसे नोटबुक या फिर कुछ भी होना चाहिए, जहाँ पर वो सारा जो इंफॉर्मेशन, जो आइडियाज कलेक्ट हो रहे हैं वो सारे वो लिख पाए. देन आपका सेकेंड काम क्या बनता है, तो मॉडरेटर जो मतलब सीक्वेंस करेगा उस सीक्वेंस को फॉलो करना और किसी भी आइडिया को डीमोटिवेट नहीं करना होता है उसमें. मतलब कोई भी आइडिया फुलिश है या फिर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इस तरीके की कोई भी स्टेटमेंट पे आप कमेंट नहीं कर सकते उस टाइम पे. जो भी आइडियाज आ रहे हैं उन सभी आइडियाज को बस लिख के रखना है. इसमें से कौन सा आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कौन सा आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना होता है. देन जो सेशन है वो रिलैक्स होना चाहिए, प्लेफुल होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर हमारे पास ये बजट है, हमको इस बजट में इतने टाइम ड्यूरेशन में ये सब करना है. ये सब चीजें उस टाइम पे दिमाग में नहीं होनी चाहिए. उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ आइडियाज होने चाहिए. सो मॉडरेटर का और ग्रुप का ओवरऑल ये काम बनता है कि सेशन को जो है रिलैक्स और प्लेफुल रखे. आप उसमें मतलब एंजॉयिंग मोमेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे आप खाते हुए उसको एंजॉय कर सकते हो इस तरीके से. मतलब ज्यादा सीरियस एनवायरनमेंट जैसे टीम मीटिंग्स का एनवायरनमेंट रहता है वैसा एनवायरनमेंट इसको नहीं रखना है. इसको जितना हो सके उतना प्लेफुल एनवायरनमेंट में रखना है. ये थर्ड चीज थी. उसके बाद आपको क्या करना होता है उसमें, तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनमें से जो भी सॉल्यूशंस आए उनमें से किसी भी सॉल्यूशन को स्किप किए बगैर उसको ऐड करते रहना है. और आपको क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस की तरफ टर्न करना है. मतलब ज्यादा ये मत सोचो कि कौन से आइडियाज हमारे वर्कआउट हो सकते हैं. जैसे सपोज हमारे पास प्रॉब्लम है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जो अभी सिचुएशन चल रहा है कोरोना वायरस है, तो उसके लिए जो क्वांटिटेटिव सॉल्यूशंस है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ना कि क्वालिटेटिव. क्योंकि क्वांटिटी की तरफ जब तुम जाते हो तभी तुम बैरियर्स को ब्रेक कर अनयूजुअल आइडियाज की तरफ जाते हो. जब तुम्हारे पास क्वालिटेटिव सॉल्यूशंस के बारे में होता है तब तुम क्या करते हो, तो तुम अपने सक्सेस पाथ को फॉलो करते हो. जो भी तुम्हारा प्रीवियस सक्सेसफुल आइडिया है, या फिर हम क्या करेंगे अगर कोरोना सिचुएशन में, तो बाकी कंट्रीज का जो सक्सेसफुल मेथड है उस मेथड को फॉलो करेंगे. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो हमको कभी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वांटिटी के बारे में सोचना है रादर देन क्वालिटी. तो इसके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल हमको कोई इमेजिनरी क्वेश्चन लेकर भी हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, या फिर हम कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन लेकर भी कर सकते हैं. हाउ टू हीट हाउस मोर इफिशियंटली, इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो सकता है, या फिर हाउ टू लाइट अ हाउस विथ अ सिंगल लाइट बल्ब. तो ये एक ऑप्शन, मतलब ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, जिन पर आप ये एक्टिविटी ट्राई करके देख सकते हो. अब नेक्स्ट मेथड क्या है इसमें, तो इस सेशन को जो है वो टाइम लिमिट रखना चाहिए. अगर आप बोलते हो कि मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन 4-5 दिन तक चल रहा है, तो उस तरीके से नहीं होता है. आपको पहले कुछ मिनट्स का, सर्टन मिनट्स का टाइम पीरियड रखना चाहिए. जैसे सपोज 10 मिनट्स का हमने टाइम पीरियड रख दिया फर्स्ट आइडिया जनरेटिंग सेशन के लिए. तो 7 लोगों का ग्रुप है, उसमें हमने दे दिया 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में आपको 20 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. तो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दी, इसलिए क्या होगा, आप रैंडम आइडियाज पे आ जाओगे. आप ये नहीं सोचोगे कि आपका आइडिया लॉजिकल है कि नहीं. एक्चुअली 20 से ज्यादा नंबर होने चाहिए तभी आप रैंडम आइडियाज के लिए जाते हो. तो एक सर्टन पीरियड तक ये हो गया कि हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है. अब हमने 10 मिनट्स का स्लॉट खत्म कर लिया. नाउ 5 मिनट्स का ब्रेक होगा, फिर वापस उसको स्टार्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से सेशन को लिमिट करना होगा, तभी आपके पास इन टाइम अच्छे आइडियाज आएंगे. अगर आप इसको अनडिफाइंड टाइम पीरियड देते हो तो उससे कोई आपको क्रिएटिव आइडियाज जनरेट होने के चांसेस नहीं होते हैं. अब ये जो सेशन में हम सारे आइडियाज के नोट्स बना रहे हैं,
सारे सारे मेंबर्स के जो आइडियाज आ रहे हैं उनको हम लिख के ले रहे हैं, तो उन आइडियाज की कॉपीज जो है वो हर एक मेंबर के पास होनी चाहिए, जितने भी 7 मेंबर्स है सपोर्ट ग्रुप में या फिर 4 मेंबर्स है, तो उन सबके पास उस पर्टिकुलर नोट की, मतलब जो भी आइडियाज हमने लिख के लिए है उन आइडियाज की कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको इवैल्यूएट कर पाए. अब एक बार हमने कॉपीज शेयर कर लिए सबके साथ, उसके बाद काम आता है इवैल्यूएशन का, आइडिया इवैल्यूएशन का. तो उसमें हमें ये सोचना है कि अब इसमें से कौन से आइडियाज पॉसिबल है और कौन से आइडियाज ज्यादा इफेक्टिव है, कौन से आइडियाज ज्यादा बोल सकते हैं अप्रोप्रिएट है या फिर ज्यादा हमको क्या बोल सकते रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो उन आइडियाज को इवैल्यूएट करना है. अब इवैल्यूएशन में पहले आइडिया कौन सा ज्यादा, जैसे हमने बोला कि ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग या फिर ज्यादा इफेक्टिव आइडिया कौन सा है, इसके बारे में पहले सोचना है, और फिर हम ये देखेंगे कि उसको किस तरीके से किया जा सकता है. तो हर बार पहले ये नहीं सोचना कि इसको कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये देखो कि आइडिया कितना पावरफुल है, क्या इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, देन उसको प्रैक्टिकली करना डिफिकल्ट भी होगा, तभी हम कुछ टेक्निकली उसको रिसर्च करके या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेकर उसको यूज कर सकते हैं. आइडिया इवोल्यूशन के इवेल्यूएशन के बाद आता है कि कौन से आइडिया जो है इमीडिएट यूजफुल है. अब इसमें जैसे हमने देखा ना कि शुरू में पहले आइडियाज को इवेल्यूएट करो, मतलब कौन सा आइडिया ज्यादा इफेक्टिव है उसको पहले हम देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि कौन से फिर उसमें से कौन सा आइडिया जो है वो वर्कआउट हो सकता है. तो इसी तरीके से पहले फिल्टर्ड आइडिया हमारे पास रहेंगे इवेल्यूएटेड, फिर उसको हमें दो कैटेगरी में सेग्रीगेट करना है, कौन से है जो इमीडिएट यूजफुल है और कौन से है जो बाद में, मतलब एक फर्दर रिसर्च के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं. Whoever is using that marker thing on screen now, please stop it. आप सबको मार्कर लाइन नजर आ रहा है स्क्रीन पे? अभी एक ब्लू मार्कर लाइन है इस पर, तो whoever is doing it, please stop it. डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है तो लेक्चर में होने की जरूरत नहीं है. जब आइडियाज सॉर्ट करेंगे तो आइडियाज को दो कैटेगरी में वापस डिवाइड करना है, पहले तो जो और दूसरा काम आता है कि उसमें से कौन से आइडियाज ऐसे हैं जो इमीडिएट यूज किए जा सकते हैं और कौन से आइडियाज ऐसे हैं जिनके लिए हमें कुछ रिसर्च की जरूरत पड़ेगी. तो गुटा पता कैसे बनता है? फोन लगा और पूछ ले मम्मी को, नहीं तो YouTube. So, दो तरीके से आइडियाज का यूज हो सकता है, दो तरीके से आइडियाज को सेग्रीगेट करके रखना है. फिर न्यू अप्रोच टू प्रॉब्लम. अब ये आइडियाज ऐसे होते हैं जिनमें मतलब इससे पहले इस तरीके का किसी ने सोचा ही नहीं होगा. इस तरीके के जो आइडियाज है वो होते हैं न्यू अप्रोच टू प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन पे ही परसों एक ब्लॉग पढ़ा था, ब्लॉग या फिर न्यूज आर्टिकल था, कि मुझको उस कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा इसलिए मैं वो चेक कर रही थी अगर होगा मेरे पास तो उन्होंने, हम बाकी कंट्रीज क्या कर रहे हैं, तो हम लॉकडाउन सिचुएशन पे है राइट, सारे के सारे मैक्सिमम कंट्रीज ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर, मुझको उस कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, मुझको अगर लिंक मिलेगा तो मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूंगी. उन्होंने क्या किया है, तो सिर्फ सीनियर सिटीजन को जो है उनको लॉकडाउन सिचुएशन, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना है उनको, उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, और जो यंगस्टर्स है उनके लिए डेली रूटीन जो है
वो वैसा ही रखा है विथ फ्यू कंडीशंस, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हमारी तरह लॉकडाउन सिचुएशन है, वो अपने एक्टिविटीज डेली कर सकते हैं लेकिन कुछ सर्टन उनको भी लिमिटेशंस दिए हैं या फिर कंडीशंस दिए हैं कि आपको इतना ख्याल रखना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने उस ये अटेम्प्ट करके वो ये जनरेट कर रहे हैं कि इम्यूनिटी जो है ह्यूमन इम्यूनिटी को हम इंक्रीज करें और इस तरीके से हम उस वायरस को किल कर सकते हैं। मतलब जनरली यंगस्टर्स में वो वायरस किलिंग का एबिलिटी है एज पर आवर इम्यून सिस्टम, तो हमें वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, हम हमारे रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। तो इसी चीज को उन्होंने बेनिफिशियल यूज करते हुए, मतलब न्यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम, क्योंकि लॉकडाउन से हमारा इकोनॉमी डाउन होगा अल्टीमेटली, सो वो सोचते हुए उन्होंने उस प्रॉब्लम को इस वे में हैंडल किया है कि यंगस्टर्स को उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन सिचुएशन में नहीं रखा है और उनसे डेली एक्टिविटीज जैसे थे उनका रूटीन वैसे ही रखा है और उस वजह से वहां पर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा बिल्ड हो रहा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अगर मुझको उस आर्टिकल का लिंक मिलेगा वापस तो मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप पे, लेकिन ये एक न्यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारे पास है, उसके हमने सर्टन मतलब जो क्या बोल सकते हैं हम कि प्रीवियस आइडिया जो किसी एक ने फॉलो किया उसी को हम सब फॉलो कर रहे हैं या फिर उसको आइडियलाइज करके काम कर रहे हैं, लेकिन एक न्यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम जो है वो ये था। और इसका आइडियल एग्जांपल जो हम मैं पहले भी तुमको लेक्चर में दे चुकी हूँ, वो किसी एक सिटी में टनल बनाना था जो कि रिवर साइड पे था, रिवर के थ्रू ही जाना था। तो उसमें क्या होता था, जब भी टनल की खुदाई होती थी तो रिवर का पानी जो है वो वहां पर अंदर आ जाता था। तो इस केस में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में एक रैंडम आइडिया आया था कि क्यों ना हम रिवर को फ्रीज करते। तो ये आइडिया सुनने में इतना सिली लगता है कि हम रिवर को फ्रीज करके कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि रिवर एंटायरली हम रिवर को तो फ्रीज नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट लगता है हमको सुनने में। तो उन्होंने क्या किया, जब भी टनल की खुदाई हो रही थी तो सिर्फ टनल के इनर पार्ट में नाइट्रोजन गैस की हेल्प से जितना पानी अंदर आ रहा था उतने पानी को फ्रीज करके बाकी का कंस्ट्रक्शन, मतलब बाकी की जो खुदाई है वो स्टार्ट कर दी, और उसी सॉल्यूशन को यूज करते हुए वो टनल बना भी। तो ये होता है न्यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम। तो इस तरीके से तीन कैटेगरी में हम इवैल्यूएट करके रख सकते हैं अपने आइडियाज को। एक ऐसा होता है जो इमीडिएटली हम उसको यूज कर सकते हैं, दूसरा जिसके लिए हमको रिसर्च लगेगा, और तीसरा जिसको हम न्यू अप्रोच टू प्रॉब्लम बोल सकते हैं। देन वेरिएशंस इन ब्रेनस्टॉर्मिंग। वेरिएशन इन ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो मेथड से उसमें, स्टॉप एंड गो एंड सीक्वेंसिंग। स्टॉप एंड गो मतलब जैसे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कोई हमारे पास क्वेश्चन है तो हमने 10 मिनट्स 15 मिनट्स का एक सेशन ले लिया, फिर हमने ब्रेक लिया, फिर हमने वापस सेशन लिया। तो इस वे में हम स्टॉप एंड गो मेथड कर सकते हैं। दूसरा है सीक्वेंसिंग, मतलब ग्रुप में ही रहना और एक के बाद एक मेंबर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने बोला, फिर मेरे बाद में जो मेंबर होगा उसने सॉल्यूशन दिया, फिर उसके बाद जो मेंबर होगा उसने सॉल्यूशन दिया। इन केस उसके बाद जो मेंबर है उसको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, अभी उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, तो वो बोलेगा पास। जैसे हम गेम्स खेलते हैं वैसे ही, पास बोला फिर जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो सॉल्यूशन देगा। अगर उसके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो भी पास बोल सकता है। तो जब हम सब लोग आइडिया शेयर कर रहे होते हैं तो उनमें उनको भी टाइम मिल जाता है और उनके पास भी कोई न्यू आइडिया, प्रीवियस जो हर्ड आइडिया है उसको ध्यान में रखते हुए उनके पास भी कोई न्यू आइडिया जनरेट हो सकता है। तो इस तरीके से दो मेथड्स यूज होते हैं, एक होता है वेरिएशंस इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टॉप एंड गो एंड सीक्वेंसिंग। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार आ चुका है तो इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। ब्रेनस्टॉर्मिंग को लेकर भी क्वेश्चन आता है, जैसे वेरियस मेथड्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो उसमें रिकॉर्डर, मॉडरेटर, फिर ऑर्गेनाइज क्यूओस रखना है, फिर रिलैक्सिंग सेशन होना चाहिए वो लिखना है आपको, फिर लिमिट द सेशन, फिर मेक कॉपीज ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब जो एक ने रिकॉर्डर ने जो लिख के रखा है वो सभी मेंबर्स के पास होना चाहिए, फिर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में वापस तीन क्राइटेरिया डालने हैं आपको कि जो इमीडिएट यूज में है जिनको हम रिसर्च बेस पे रख सकते हैं, और जो न्यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम होगा वो।
तो इस तरीके से हम उसको कैटेगराइज, मतलब उसको आपका ये वन पेज आंसर हो जाता है वेरिएशन मेथड्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. देन नेक्स्ट होता है वेरिएशन इन ब्रेनस्टॉर्मिंग. ये क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टॉप एंड गो और सीक्वेंसिंग ये मेथड लिखना है, लेकिन इसको सिर्फ इतने ही पार्ट से कवर मत करना क्योंकि ये सिर्फ हाफ पेज का आंसर बनेगा. इससे पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकते हो, जैसे कि नंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, और फिर रिकॉर्डर और मॉडरेटर वाला पार्ट जो है वो दो पैराग्राफ्स आप इससे पहले लिख सकते हो, तो आपका वन पेज का आंसर बन जाएगा. देन देयर इज आइडियाज जनरेटिंग क्वेश्चंस जो जनरलिस्टिक 6 नाम से आता है, तो ये आपको इस पर भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हु इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम या हु इज इन्वॉल्वड इन दैट प्रॉब्लम, किसकी वजह से, हु इज इन प्रॉब्लम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो व्हाट मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट शुड हैपन, व्हाट इज इट, क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो हु पहले, कौन इन्वॉल्व है प्रॉब्लम में. जैसे अगर हम अभी की सिचुएशन को लेते, कोरोना है, सो हु इज इन्वॉल्व इन इट, कौन है किसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो ह्यूमंस के साथ प्रॉब्लम है, ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ प्रॉब्लम है. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उसके बारे में बात करनी है. देन व्हेन द प्रॉब्लम ऑकर्स, मतलब प्रॉब्लम का टाइमिंग क्या है एग्जैक्टली, एक्यूरेसी जो है वो अभी यहाँ पे आएगी. धीरे धीरे हम जो ये 6 क्वेश्चन जो है वो आपको एक्यूरेट प्रॉब्लम तक लेके जाएंगे. तो ये देन व्हेन इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, कहाँ पे इंडोर प्रॉब्लम है, आउटडोर प्रॉब्लम है, कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रॉब्लम है, कौन सी पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर क्लियर होगा. व्हेन इज द प्रॉब्लम एंड देन वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई इज द प्रॉब्लम, क्यों है प्रॉब्लम, किन चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है. एंड देन हाउ, किस तरीके से ये प्रॉब्लम ग्रो हो रहा है. तो इसमें कभी कभी कंक्लूजन भी हो सकता है कि क्यों किस तरीके से हो रहा है, तो इसमें हम बहुत बार सॉल्यूशन, ये लास्ट टू जो क्वेश्चंस है कि व्हाई, क्यों ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है और हाउ ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है या फिर इसका ग्रोथ हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम है, व्हाई इज द प्रॉब्लम, ये एक है, और हाउ इट इज ग्रोइंग, और इस तरीके से इन दो क्वेश्चंस में आपको इसका आंसर भी मिल जाता है 5th और 6th क्वेश्चन में. तो 6 क्वेश्चन है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, why and how. Now historical examples में essence, origin, purpose, importance and reputation. So reputation, these questions are especially useful for generating ideas for improving something. अब किसी भी प्रोडक्ट में या फिर सर्विस में अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इम्प्रूवमेंट के लिए इन क्वेश्चंस का यूज होता है. सो इसेंस मतलब व्हाट इज इट, ये एग्जैक्टली है क्या. फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, तो एग्जांपल के तौर पे हम टूथपेस्ट ले लेते हैं. सो What is it? For example, हम दंतकांति ले लेते हैं, अपना रामदेव बाबा जी का जो पेस्ट आता है वो. तो इसेंस में what is it? तो ये टूथपेस्ट है. जो अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आएगा, ओरिजिन क्या है, वेर डिड इट कम फ्रॉम, तो आयुर्वेद इसका एक ओरिजिन आ जाएगा क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब्स को उसने यूज किया हुआ है. देन वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस थिंग, तो हेल्दी गम्स, क्लीनिंग टूल्स, इस तरीके से आ जाएगा. फिर देन इम्पोर्टेंस, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है उसका. तो ये केमिकल से, मतलब केमिकल्स उसमें नहीं है और प्योरली नेचुरल है, तो ये हो जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ इट, ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उसका. देन रिप्यूटेशन मतलब उसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या है. अब जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो
उस तरीके से उसका इम्पैक्ट जनरेट हो जाता है. ये आयुर्वेदा से ओरिजिन है, इसलिए आयुर्वेदिक आयुर्वेद का जो रिपीटेशन इन मार्केट है वही उसको भी कनेक्ट हो जाएगा, या फिर पतंजलि का जो मार्केट रिपीटेशन है वही उसको भी इफेक्ट करेगा. तो इस तरीके से रिपीटेशन को हम कैलकुलेट करते हैं. ये चार पांच चीजें हैं जिससे आप उसको किसी भी प्रोडक्ट को बेटर भी कर सकते हो, या फिर किसी भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए या फिर उसके बेटरमेंट के लिए हम इन पांच चीजों का यूज करते हैं, इन पांच क्वेश्चंस का यूज करते हैं. इसेंस कौन सा है, ओरिजिन क्या है, पर्पस क्या है, एक्चुअल पर्पस ऑफ यूज क्या है, देन इम्पोर्टेंस क्या है, और रिपीटेशन क्या है. रिपीटेशन क्या है, तो ओवरऑल कंपनी रिपीटेशन भी हो सकता है, प्रोडक्ट रिपीटेशन भी हो सकता है. द नेक्स्ट थिंग इज ब्लॉक बस्टिंग. सो ब्लॉक बस्टिंग में जनरली हम उस सिचुएशन पे होते हैं जब हमको आइडियाज आना स्टॉप हो जाता है, या फिर हमारे पास कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं होता, हम ब्लॉक में होते हैं बेसिकली. कि यहाँ पर मतलब जैसे लोगो डिजाइनिंग के लिए तुमको दे दिया, तो तुमने तीन चार लोगो बनाए और वो रिजेक्ट हो गए सपोज क्लाइंट एंड से, तो आफ्टर दैट रिजेक्शन तुम्हारे पास कोई भी नया आइडिया नहीं होता है. तो ये होता है ब्लॉकेज. अब इसको, इस ब्लॉकेज को हम कैसे हटाए, तो उसमें दो तीन मेथड्स है. ब्लॉक बस्टिंग, फंक्शनल फिक्सेशन. फर्स्ट है फंक्शनल फिक्सेशन. अब इसमें ब्लॉक बस्टिंग अलग अलग तरीकों से बताया हुआ है. जैसे कि फंक्शनल फिक्सेशन में मेनली ऑब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं हम. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल यूज है वो छोड़कर आप उसको किसी और यूज के लिए मतलब किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो होता है फंक्शनल फिक्सेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेन है और आप उसको लिखने के लिए नहीं बल्कि किसी को फेंक कर मारने के लिए यूज कर रहे हो, या फिर कहीं पर एज अ स्टैंड यूज कर रहे हो, तो वो हो गया फंक्शनल फिक्सेशन. आपके पास ब्रिक है, सीमेंट ब्रिक या फिर मिट्टी की जो ब्रिक रहती है जो घरों पर यूज होती है, तो वो ब्रिक को आप वॉल बनाने के लिए, वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो एज अ डोर स्टॉपर यूज कर रहे हो, वो हो गया फंक्शनल फिक्सेशन. जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जिस पर्पस के लिए वो डिजाइन हो रहा है उस पर्पस के लिए नहीं, तो किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो दैट टाइम इट बिकम्स फंक्शनल फिक्सेशन. तो हम जितने भी जुगाड़ चीजें करते हैं ना, कि सपोज हमने फोन को स्टैंड करने के लिए पीछे कुछ बुक्स रख दी है, तो उस टाइम पे बुक्स जो है वो फंक्शनल फिक्सेशन का काम कर रही है. बुक्स एक्चुअली बने किस चीज के लिए है, रीडिंग पर्पस के लिए, लेकिन हम उसका यूज क्या कर रहे हैं, तो एज अ स्टैंड हम उसका यूज कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल फिक्सेशन हो गया. या फिर तुम बहुत सारे क्रिएटिव जो 5 मिनट क्रिएटिव वीडियोस वगैरह रहते हैं उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पर्पज से यूज करना बताते हैं उसमें. फॉर एग्जाम्पल, बलून से आपने मोबाइल कवर बना दिया, तो ये हो गया फंक्शनल फिक्सेशन ऑफ, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पर्पज के लिए, जिस पर्पज के लिए वो डिजाइन हुआ है उस पर्पज के अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज करो, तो वो बन जाता है फंक्शनल फिक्सेशन. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं उसके, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं उसको. यहाँ पर वही चीज बताई हुई है, फंक्शनल फिक्सेशन. फंक्शनल फिक्सेशन में फर्स्ट है यूज फॉर. तो हमने जो अभी देखा यूज फॉर में वही एग्जाम्पल था कि ब्रिक का यूज आप किस किन चीजों के लिए कर रहे हो, तो डोर स्टॉपर की तरह कर सकते हो, एंकर की तरह कर सकते हो किस चीज को होल्ड करने के लिए, या फिर पेपर वेट की तरह भी उसका यूज कर सकते हो, या फिर जब बचपन में तुम लोग क्रिकेट खेलते होगे तो एज अ स्टम्प भी उसका यूज करते थे, या फिर ब्रिक को फोड़कर आप उसका पाउडर बनाकर वो रेड जो पाउडर होगा उसको भी, रेड मिट्टी उसको भी यूज कर सकते हो. तो ये हो गया यूज फॉर फंक्शनल फिक्सेशन. तो इसमें ही अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनका, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं. जैसे आप स्पून को किस तरीके से यूज कर सकते हैं,
स्पून के फंक्शनल फिक्सेशंस क्या हो सकते हैं, कैंडल के फंक्शनल फिक्सेशन क्या हो सकते हैं, देन इम्प्रूवमेंट्स टू सेकेंड यूज फॉर के बाद है इम्प्रूवमेंट्स टू, मतलब किसी भी चीज को आपको यूज करते टाइम पे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं वो समझ में आता है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मोबाइल कवर अभी स्टैंड्स के साथ आते हैं जिससे कि आप मोबाइल्स को खड़ा भी कर सकते हो, राइट. तो वो हो गया इम्प्रूवमेंट्स टू, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट कर पा रहे हो आप. जैसे एक ही पेन में मल्टीपल कलर्स के रिफिल्स होते हैं तो ये है इम्प्रूवमेंट्स टू. जैसे मोबाइल कवर को ही स्टैंड ऐड कर दिया तो वो भी हो गया इम्प्रूवमेंट्स टू. फिर आप जो चार्जिंग प्लग होते हैं आपके तो उसी जगह पे आप यूएसबी के भी प्लग्स आने लग गए हैं तो वो भी हो गया इम्प्रूवमेंट्स टू. तो इस तरीके से जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसके साथ आपको जो सजेशंस आते हैं, मतलब आइडियाज आते हैं कि उसको किस तरीके से और बेटर किया जा सकता है, तो वो होते हैं इम्प्रूवमेंट्स टू. तो ये जैसे रिक्वायरमेंट आया कि मोबाइल को हमको स्टैंड करने की भी जरूरत पड़ सकती है, इसी वजह से ये इम्प्रूवमेंट आया कि मोबाइल कवर को स्टैंड दिया जा सकता है. अब जैसे मोबाइल अनलॉकिंग आइडियाज थे तो मोबाइल अनलॉकिंग के लिए फिर फिंगरप्रिंट आइडिया आ गया. तो फिंगरप्रिंट को एक्सेस करते टाइम पे पहले फिंगरप्रिंट फ्रंट पे था, बाद में उन्होंने उसको कंफर्ट ऑफ यूजर देखकर इम्प्रूवमेंट्स में उसको बैक पैनल पे डाल दिया. तो ये जो चीजें हैं ये इम्प्रूवमेंट्स टू में आएगा, मल्टीपल हैंडल्स, एंटी स्किड्स. जैसे तुम्हारे शूज डिजाइन हुए तो शूज पहले फ्लैट सर्फेस के साथ डिजाइन हुए होंगे, फिर जब वो स्किड हो रहा है ये समझ में आता है तब उसको एक टेक्सचर फॉर्म हुआ जिससे कि उसको ग्रिप मिल सके. तो इस तरीके की चीजें जो है वो बाद में डिजाइन हुई है. फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स जो है हमारे, या फिर सिलेंडर के नीचे जो हम व्हील रखते हैं वो हो सकता है, या फिर तुम शॉपिंग कार्ड्स देखते हो तो उसके नीचे व्हील्स रहते हैं. पहले शॉपिंग सिर्फ ये रहते थे, बास्केट्स रहते थे, तो व्हील्स का एडिशन हुआ. इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट को बेटर कैसे किया जाए उसके लिए जो बेटरमेंट ऑप्शंस है वो यहाँ पर आते हैं इम्प्रूवमेंट्स टू में, हर एक प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए. बेटर बाइंडिंग, लाइटर वेट, जैसे कंप्यूटर को लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया तो वो लाइटर वेट हो गया. लोअर कॉस्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आप जब अल्टरनेट उसका फॉर्म करते हो चीप रेट में, उसको कॉस्ट उसका कम करने के लिए, तो वो लोअर कॉस्ट में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल बाय चेंजिंग द मटीरियल ऑफ सेलफोन, जैसे कोई सेलफोन मेटल से बना हुआ है, कोई फाइबर से बना हुआ है, तो उससे उसका कॉस्ट कम हो जाता है. या फिर कोई वन क्या बोल सकते हैं हम, कि किस किसी फोन का मेमोरी ज्यादा है, किसी फोन का मेमोरी कम है, तो उससे भी उसका कॉस्ट कटिंग हो जाता है. सो इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट में बेटरमेंट कर सकते हैं. इसका आएगा इम्प्रूवमेंट्स टू में ये सेक्शन कवर हो जाता है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसी चीज को रिलेवेंट. फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूवमेंट्स टू, पेंसिल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो पेंसिल के पीछे इरेजर लगा दिया तो वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया. देन पेंसिल्स में सिर्फ एक ही शेड का पेंसिल नहीं, तो मल्टीपल शेड्स का पेंसिल अगर हम प्रोडक्ट देते हैं तो फिर वो पेंसिल जो है वो इम्प्रूव हो गया. या फिर आप बचपन में वो पेंसिल्स यूज करते रहेंगे जो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता था और अंदर मल्टी कलर लीड्स रहते थे, तो आप वन बाय वन लीड को निकाल कर पीछे लगा देते थे और वो मल्टी कलर्स को यूज करते थे, तो उस तरीके से पेंसिल को हमने इम्प्रूव कर दिया. देन कैलकुलेटर को कैसे इम्प्रूव करना है, तो कैलकुलेटर में पहले बेसिक फंक्शनिंग ही था, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई. अब उसमें एडिशनल फंक्शंस भी आ गए हैं, जैसे कि आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हो, परसेंटेज भी निकाल सकते हो, ऐसे बहुत और भी, मतलब और भी मल्टीपल फंक्शंस आ गए हैं, तो उनको हम प्योरली तो यूज नहीं करते, लेकिन ये कैलकुलेटर का एक इम्प्रूवमेंट हो गया. देन स्पून में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, तो एक ही स्पून को दोनों साइड से आप, वन साइड उसका स्पून है, बैक साइड उसका फोर्क है, तो उस तरीके के स्पून आपको नूडल्स के बॉक्सेस के साथ आते हैं, तो उस तरीके के स्पून डिजाइन हुए हैं जिसमें उस पर इम्प्रूवमेंट हुआ.
एक स्पून बीच में इन्वेंट हुआ था जिसमें वाइब्रेटर था, जो जिनके हाथ शेक हो, मतलब हैंड जो है वो शेकी रहते हैं थोड़े से आफ्टर एजिंग, या फिर कुछ डिसीजेस भी होते हैं जिनमें आपके हाथ जो है वो थोड़े से वाइब्रेट होते हैं, तो उस तरीके से मतलब उन पीपल्स के लिए या फिर उन पेशेंट्स के लिए वाइब्रेटिंग के साथ एक स्पून आया था जो वाइब्रेशंस को नल कर देता है, मतलब आप उससे खा सकते हो प्रॉपरली, अदरवाइज कुछ लोगों को शिवरिंग की वजह से स्पून से खाना नहीं खाने आता, तो उस तरीके के स्पून इन्वेंट हुए थे। देन पेपर में बेटरमेंट क्या है, तो पेपर में आप टेक्सचरल पेपर यूज करते हो, स्मूथ पेपर यूज करते हो, बीच में कोई पेपर ऐसा आया था जिसमें आप लिख कर वापस इरेज भी कर सकते हो, या फिर मटेरियल चेंज हो रहे हैं पेपर के, कम वुड अमाउंट यूज हो रही है, वुड को अल्टरनेट अमाउंट यूज, मतलब अल्टरनेट कोई प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है, तो ये बेटरमेंट इन पेपर है। तो पेपर में भी प्लेन पेपर है, आप लाइंड पेपर यूज करते हो लिखाई के लिए, ड्रॉइंग्स के लिए प्लेन पेपर यूज करते हो, उसमें भी वेरियस पेपर्स यूज करते हो, एक बेस कलर वाले पेपर्स यूज करते हो, तो ये बेटरमेंट इन पेपर है या फिर इम्प्रूवमेंट इन पेपर है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बेटरमेंट्स प्रोवाइड हुए हैं या फिर इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइड हुए हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के लिए ही दिए हुई चीजें हैं जिसको आप बाद में स्टडी कर सकते हो कि इन चीजों में क्या क्या बेटरमेंट आया है। एन आइडिया लिस्ट ऑफ व्हाई ऑफ वेज टू इम्प्रूव समथिंग, सिंप्लीफाई, रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये फर्स्ट चीज है जो हम किसी भी चीज प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं तब करनी होती है, सिंप्लीफाई एंड रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी। उसके यूज को ज्यादा सिंप्लीफाई करना होता है और उसमें से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिमूव करनी होती है। फ्रॉम लाइक लाइन, जो हम कमांड लाइन सिस्टम यूज कर रहे थे उससे हमने GUI सिस्टम यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया सिंप्लीफाइंग द ऑब्जेक्ट, रिमूविंग द कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हो गया एक फर्स्ट बेटरमेंट कंप्यूटर्स को एक्सेसिबल बनाने का। देन अप्लाई न्यू यूज, मतलब उसका नया यूज क्या हो सकता है वो चीजें ऐड करना उसमें। देन ऑटोमेशन, कोई चीजें होंगी जो मतलब मैन्युअली हर चीज को नहीं किया जाए, कुछ चीजें ऑटोमेशन पे डाल दे, जैसे कि सपोज आप मोबाइल चार्जिंग वाला ही ऑप्शन ले लेते हैं कि मोबाइल चार्जिंग के बाद ऑटोमेटिकली आपका चार्जिंग स्टॉप हो जाता है, 100% आपका बैटरी फुल हो जाए तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, या फिर आपको इंडिकेशंस आते हैं वो सारे ऑटोमेशन सिस्टम पे हैं। रिड्यूस कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव कर रहे हो तो पहले उसका कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना है, मतलब ये कुछ इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं कि ये हर एक फैक्टर उसमें यूज होना चाहिए, कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसका, उसके अल्टरेशन सोचने चाहिए। प्रोडक्ट मतलब उसके रॉ मटेरियल्स चेंज करके हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस लाकर हम उसका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, तो इन पॉइंट्स के बारे में सोचा जाना चाहिए। मेक इजियर टू यूज एंड अंडरस्टैंड, मेक इजियर मतलब किसी भी चीज को इजियर टू यूज, ये सिंप्लीफाई और रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी में भी आता है, मेक इजियर टू यूज एंड अंडरस्टैंड। देन रिड्यूस फियर टू ओन और यूज, जैसे मोबाइल फोन्स थे तो अभी हम मतलब बहुत फ्रीली मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो गया है, या फिर उसको समझने का, या फिर मेक इजियर टू यूज एंड अंडरस्टैंड ये प्रिंसिपल ज्यादा अप्लाई हो चुका है, इसीलिए वो रिड्यूस फियर टू ओन और यूज ये हो गया है, मतलब इसको यूज करते टाइम पे हमें उतना डर नहीं लगता, लेकिन प्रीवियसली जब कोई भी फर्स्ट मोबाइल फोन्स आए थे सपोज मार्केट में, तो तब उतना फ्रीली उसको यूज नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे एक फियर, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट देखा ही नहीं है पहले, तो आप उसको यूज करते टाइम पे उतना फ्री होके उसको यूज नहीं कर सकते हैं, आपको उसको यूज करते वक्त थोड़ा डर रहता है दिल में, तो वो रिड्यूस फियर टू ओन या फिर यूज है। अब ये फियर आपको कब जनरेट होता है, तो जनरली जब आपको एरर के नोटिफिकेशंस आते हैं इमीडिएटली, कि आपने कोई भी बटन प्रेस कर दिया और कोई वॉइस आने लग गया इमीडिएटली, तो ये आपको फियर जनरेटिंग प्रोसेस है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोसेस ना करते हुए पहले ही, मतलब ये अगर आप ये की प्रेस करोगे तो फिर ऐसा कुछ नॉइज आ सकता है, या फिर इस तरीके का कोई फंक्शन या फिर डिसफंक्शनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है,
तो ये आप पहले ही किसी और तरीके से यूजर को इंटीमेट कर दो, जिससे कि वो जो फियर है उस पर्टिकुलर नॉइज का वो नहीं आएगा. मेक सेफर टू यूज, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते वक्त उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करना. फॉर एग्जाम्पल आप लाइटर यूज करते हो तो वो उसमें आपको जलने का, मतलब कोई क्या बोल सकते हैं, उस हीट से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता. उसको यूज करने में डर नहीं लगता क्योंकि वो सेफर है. भले ही वो फायर से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी वो सेफर प्रोडक्ट है. गिव मोर परफॉर्मेंस और कैपेसिटी. अब ये आप जब मोबाइल फोन्स यूज करते हो तब उसमें हमने मेमोरी बढ़ा दिए है, कैमराज का शार्पनेस बढ़ा दिया है, या फिर कैमराज का जो मेगापिक्सल्स है वो हमने इंक्रीज करके रखा हुआ है. तो ये है गिव मोर परफॉर्मेंस और कैपेसिटी. देन मेक फास्टर, मतलब उसका हम मोबाइल फोन्स में ही हम रैम इंक्रीज कर देते हैं, कंप्यूटर्स में आप रैम इंक्रीज करते हो जिससे कि आपका यूनिट जो है वो फास्टर हो जाता है, लेस वेटिंग हो जाता है. देन प्रोवाइड मोर ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. तो जब आपके बाकी फंक्शंस अच्छे होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मोर ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी पे आ जाते हो. गिव बेटर अपीयरेंसेस, मतलब लुक एंड फील में कैसा होना चाहिए. भले ही कोई मोबाइल अगर फंक्शन में बहुत अच्छा हो, उसका काफी हाई रैम हो या फिर मेमोरी काफी अच्छा हो, लेकिन लुक्स में एकदम भद्दा मोटा सा फोन हो, हेवी हो काफी, तो आप उसको परचेस करना प्रेफर नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि उसका अपीयरेंस जो है वो अपीलिंग नहीं है. तो अपीयरेंस को अपीलिंग बनाना, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना गिव बेटर अपीयरेंस में आता है. क्रिएट मोर एक्सेप्टेबल बाय एक्सेप्टेंस बाय अदर्स, मतलब बैरियर फ्री डिजाइन करना जो सब सबकी तरफ से एक्सेप्ट हो पाए, इस तरीके का डिजाइन करना. देन ऐड फीचर्स एंड फंक्शंस. ऐड फीचर्स एंड फंक्शंस मतलब मोबाइल के ही केस में आप ले लो तो उसमें कैलेंडर भी है, कॉल लॉग भी है, मैसेजिंग भी है, और क्या क्या है जो आप जैसे नेट इंटरनेट एक्सेस भी है. तो ये जो फंक्शंस है जो हम मोबाइल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो भी वहां पर है. जैसे रेडियो है, म्यूजिक फंक्शन, मतलब म्यूजिक आप सुन सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो. तो ये सारे जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है वो आते हैं फीचर्स एंड फंक्शंस में, एडिशनल फंक्शंस जो उसका क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी जो है उस पर वो बढ़ा देता है. देन इंटीग्रेट फंक्शंस, मतलब जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसी को इंटीग्रेट करना. फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग है तो कॉलिंग को आपको हर बार नंबर डायल नहीं करना पड़ता है, आपके पास कॉल हिस्ट्री होती है या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट प्रोवाइडेड है जिसमें से आप डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हो, आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो. आपको इनकमिंग कॉल में जो हम कॉलर आईडी पहले होता था लैंडलाइंस को, तो उसी तरीके से आप जो जिसका कॉल है वो पहले ही समझ के ले सकते हो बाय नोइंग द नंबर. तो इस तरीके के इंटीग्रेटेड फंक्शंस होते हैं. मेक मोर फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल, मतलब उसका यूज का रेंज हमने बढ़ा ही दिया है ऑलरेडी. उसको आप कैमरा कैप्चरिंग, मतलब जब आप फोन लेते हो तो सिर्फ ये पर्पस के लिए नहीं लेते हो कि उससे हम कॉल करेंगे या फिर कॉल रिसीव करेंगे. हम ये भी उसमें देखते हैं कि उसका कैमरा कौन सी वैल्यू का है, उसका रैम क्या है, उसका मेमोरी स्टोरेज कितना है. तो ये सब चीजें हम देखते हैं. तो इसका मतलब ही ये है ना कि मोर फ्लेक्सिबल हो गया है और वर्सेटाइल फंक्शनिंग उसका हो चुका है. मेक लाइटर वेट और हैवियर एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स को हमको हैवी बनाना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट्स को हमको लाइट बनाना पड़ता है. जैसे कि पेन ड्राइव हो गया तो पेन ड्राइव को हैवी बना के कोई मतलब नहीं है, उसको लाइटर बनाना पड़ेगा. लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसको हमें वेट देने की जरूरत पड़े, जिसके एग्जाम्पल पर हम कौन से ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको हैवी बनाना जरूरी है. अभी मेरे दिमाग में आज सच कोई एग्जाम्पल नहीं है लेकिन अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी. बहुत कम ऐसा प्रोडक्ट है जिनको हेवियर बनाने की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल पेपर वेट ले लो, पेपर वेट को लाइट वेट बना के कोई मतलब नहीं है, उसको हेवियर ही बनाना पड़ेगा. प्लास्टिक का बॉल हम पेपर वेट की तरह यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम हेवी किसी मटेरियल का यूज करेंगे, जैसे ग्लास का मटेरियल यूज करेंगे या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो उसको पेपर वेट की तरह काम आए.
मेक मोर पावरफुल, मतलब उसका वापस मोबाइल का ही एग्जांपल ले लो तो मोर पावरफुल मतलब उसका रैम बढ़ा दो, पावर बढ़ा दो, उसका मतलब चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ा दो. रिड्यूस और इलिमिनेट ड्रॉबैक्स, जो भी उसके ड्रॉबैक्स है उनको रिड्यूस या फिर इलिमिनेट कर दो. मेक मोर एलिगेंट, ये वापस लुक एंड फील की तरफ ही जा रहा है. गिव बेटर शेप डिजाइन स्टाइल, प्रोवाइड बेटर सेंसरी अपील, प्रोवाइड बेटर साइकोलॉजिकल अपील. साइकोलॉजिकल अपील मतलब क्या? सेंसरी अपील मतलब जो टेस्ट में अच्छा हो, फील में अच्छा हो, स्मेल में अच्छा हो, इस तरीके का प्रोडक्ट बनाओ. फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई चॉकलेट ले रहे हैं, जैसे डेरी मिल्क है, डेरी मिल्क के ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, लेकिन हर बार वो एक न्यू फ्लेवर के साथ आते हैं, न्यू लुक के साथ आते हैं, पैकेजिंग चेंज कर देते हैं. अब फ्रेग्रेंस को हर बार चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फ्रेग्रेंस चेंज होता है. तो इस तरीके से आप उसको मोर सेंसरी अपील में लेके आ सकते हो. देन मोर साइकोलॉजिकल अपील मतलब मोर अंडरस्टैंडेबल, एक्सेप्टेबल. तो कोई कलर हो सकता, मतलब कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस में नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल विप्रो ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था प्रिंसेस सोप. तो प्रिंसेस सोप का जो अंडरस्टैंडिंग था या फिर एक्सेबिलिटी था वो सिर्फ इस मतलब प्रिंसेस नाम है उस सोप का, इस वजह से वो सिर्फ जो किड्स है, मतलब जो गर्ल चाइल्ड्स है, उन्हीं के लिए यूज हो रहा था क्योंकि नाम उसका प्रिंसेस सोप था. बाद में उसको साइकोलॉजिकल अपील इंक्रीज करने के लिए डॉय सोप उसका नाम रख दिया. तो फिर उसका सेल जो है वो दोनों कैटेगरीज में होने लग गया. लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजिकल अपील की तरफ ध्यान दिया. या फिर आप वेगनार का एग्जाम्पल ले सकते हो. वेगनार कार जब लॉन्च हुई थी तो उसके शेप की वजह से वो काफी मतलब फ्लॉप प्रोडक्ट्स ये हुआ था, मतलब उसका सेल जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हो पाया था. फिर उन्होंने वापस प्रोवाइड साइकोलॉजिकल अपील, साइकोलॉजिकल अपील को उन्होंने चेंज कर दिया स्टेटमेंट ऐसे, मतलब उस एड को एडवर्टाइज करते टाइम पे ऐसे एडवर्टाइज किया कि वो कार जो है वो टॉल पीपल के लिए डिजाइन हुई है. तो उसी शेप को ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और साइकोलॉजी के अपील के अकॉर्डिंगली कोई भी अपने आप को शॉर्ट नहीं बोलता, तो इसीलिए उस कार का जो सेल है वो वापस इंक्रीज हो गया. प्रोवाइड बेटर इमोशनल अपील मतलब हैप्पी, वार्म, सेटिस्फाइंग, एंजॉयबल, फन, लाइकेबल, ये इस तरीके का फीलिंग जनरेट करना. फॉर एग्जांपल आप इसमें जॉनसन एंड जॉनसन को ले सकते हो. मतलब जॉनसन के जो प्रोडक्ट्स है बच्चों के लिए, किड्स के लिए, तो वो इमोशनल अपील के लिए होता है. ख्याल माँ जैसा या फिर इस तरीके का जो टैगलाइन होते हैं ना वो इमोशनल अपील को ज्यादा ये करते हैं, अप्रोच करते हैं. देन एम टुवर्ड्स आइडियल देन रादर देन इमीडिएट गोल्स. तो मतलब कोई भी एम टुवर्ड्स आइडियल रादर देन इमीडिएट गोल्स में आप इसका एग्जांपल ले सकते हो. एक्वागार्ड का एग्जांपल ले सकते हो. जो एक्वागार्ड के जो सेलर्स रहते हैं या फिर जो डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं वो कभी ये नहीं बोलते कि आप एक्वागार्ड का प्रोडक्ट परचेस करो. वो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि इफ यू कैन नॉट प्रूव, लाइक आप अगर एक्वागार्ड परचेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो आप कम से कम पानी बॉइल करके पियो. तो ये जो है ये आइडियल वो ट्रीटमेंट है. इसकी वजह से क्या होता है, तो वो जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक इम्पैक्टफुल रहता है. गिव लार्जर कैपेसिटी, मेक पोर्टेबल. तो ये मोबाइल और आप लैपटॉप या फिर पेन ड्राइव इन सब को लेकर ये मेक पोर्टेबल का एप्लीकेबल एग्जांपल है. देन मेक सेल्फ क्लीनिंग इजी टू क्लीन. इजी टू क्लीन होने चाहिए प्रोडक्ट्स. मेक मोर एक्यूरेट. तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को जो है वो बेटर बना सकते हैं. Then there is what ifing, next part जो है ये हम कल देखेंगे. आज के लिए इतना बहुत है. Attribute analysis, what ifing, ये हम कल देखेंगे, कल के lecture में. Morphological analysis. ये हम कल के session में देखेंगे. आज के लिए इतना बहुत है. अभी तक जितना बताया उसमें कुछ doubt है?
आज के लेक्चर में जितना भी कुछ बताया उसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज बता दो। ओके ठीक है, तो मैं अभी ये कॉल डिस्कनेक्ट करती हूँ। तुम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर का आपके आपको आपके ग्रुप पे लिंक आ जाएगा, जैसे एक्सटेंशंस का इमीडिएट स्टार्ट होगा, वेदा का मेरे ख्याल से 11:30 बजे रहेगा। मंडे के लेक्चर में हम ये आगे का पार्ट जो है व्हाट इफिंग कंटिन्यू करेंगे।